जो दूसरी राशि आती है राशि चक्र में उसका नाम होता है वृषभ राशि। और वृषभ राशि की खासियत क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। वृषभ राशि मतलब वृष, वृष को हिंदी में अगर कहा जाए तो बैल, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो वृषभ राशि के जातकों की खासियत होती है शरीर से बली होते हैं, मतलब बलशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। पर उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बल मिला पर बुद्धि नहीं मिली। तो ऐसे लोगों की नेतृत्व क्षमता या कहेंगे निर्णय क्षमता थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो उन्हें शुक्र से रिलेटेड अगर वो उपाय करते हैं, अपनी राशि को अगर मजबूत करते हैं, तो उनकी निर्णय क्षमता भी अच्छी रहती है। पर मेरी फिर भी सलाह है कि वृषभ राशि के जितने भी जातक हो, जो उनके वेल विशर हो, जो उनके साथ में हो, उनके परिवार के लोग हों, उनसे सलाह लेकर ही कोई काम करे, उनके लिए अच्छा रहेगा। पर वृषभ राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है, ये वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसका कारण मैं बताती हूँ आपको। वृषभ राशि जो होती है शनि की मित्र राशि होती है, क्योंकि उसका स्वामी शुक्र होता है और शनि इस बार अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है। राशि परिवर्तन करने के कारण वृषभ राशि के जातकों को इसका सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। सबसे पहला लाभ क्या होगा वृषभ राशि के जातकों को, कि उनकी वाणी से उन्हें लाभ होगा। अगर उन्होंने किसी को कुछ कहा वो फलित हो गया तो उससे उनको लाभ पहुँचेगा। दूसरा क्या होगा, जो कानून से जुड़े लोग हैं, वकील हैं, चाहे पुलिस है, चाहे जज है, इस तरह के जो भी लोग होंगे कानूनी, क्योंकि शनि न्यायप्रिय ग्रह होता है, न्याय में फायदा देगा उनको। तो इस तरह के लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। दूसरा क्या है, मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगी, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि इस तरह के लोगों की निर्णय क्षमता थोड़ी कमज़ोर होती है, जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे लोग इस वर्ष किसी भी बड़े रिस्क को लेने से बचे हैं। रुके हुए कार्यों में इस साल उनके टॉप गियर लगने वाला है। जो भी काम अब तक सालों से रुके हुए हैं, कानूनी मुद्दे हैं या भूमि से रिलेटेड कोई समस्या है, तो इस वर्ष उनकी सॉर्ट आउट होने वाली है, बिल्कुल उस समस्या का समाधान होने वाला है। बड़े अवसर उनके दरवाजे खटखटाएंगे। इसको पहले वाले उससे जोड़ के देखिएगा, मैंने कहा है बड़े रिस्क लेने से बचे। मैंने फिर भी एक बार और कहा है कि अपने कोई भी बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अपने वेल विशर से सलाह लें। तो मैं इसलिए ये कहना चाहूँगी कि अगर उनके पास ऐसा कोई मौका आता है, कोई बड़ा अवसर आता है, कोई व्यापार करने का मौका मिलता है, कहीं विदेश जाने का मौका मिलता है, कहीं कुछ सस्ती चीज़ मिलती है, तो उसके लिए प्लीज़ आप अपनी सलाह किसी से लीजिए। नहीं तो जो अच्छा आपको बताया जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वृषभ राशि के लिए कुल मिला जुलाकर ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी उनके साथ में कि जो उनके अपने होंगे, अपने मित्र होंगे, अपने परिजन होंगे, उनके साथ थोड़ी वैर बैनमत्स्य रहेगा, जिसके कारण उनको थोड़ा दुख या कष्ट का सामना करना पड़ेगा, या कहें तो मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। शुभ रंग जो होता है वृषभ राशि के लिए वो होता है सफ़ेद और हरा। शुभ अंक इनके लिए होता है 5 और 6। शुभ ग्रह इनके लिए होता है शुक्र और बुध। शुभ दिशा इनके लिए होती है पश्चिम। और शुभ रत्न जो इनके लिए होता है वो हीरा होता है।